नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आपको डीआरडीओ में कैसे मिलती है जॉब। सो डीआरडीओ का फॉर्म भरने से लेकर फर्स्ट सैलरी पाने तक क्या प्रोसेस है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अनएकेडमी की तरफ से आप सभी को फ्री क्लास प्रोवाइड की जा रही है, जो कि आपकी एसएससी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। इस फ्री टेस्ट में अनएकेडमी के टॉप एजुकेटर अंकित अवस्थी सर द्वारा अक्टूबर मंथ के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया जाएगा, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल है। फ्री टेस्ट को इनरोल करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिए और अपने सभी इंजीनियर दोस्त को अनएकेडमी के फ्री टेस्ट के बारे में इन्फॉर्म कर दीजिए। सो चलिए बात करते हैं कि सिविल इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद डीआरडीओ में आपको कैसे मिलेगी जॉब। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका सिविल इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी कि सिविल इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में आपका बीई या फिर बीटेक होना चाहिए। और इसके साथ साथ इस जॉब के लिए आप तभी एलिजिबल हो जब आपका बैचलर डिग्री में 60% होना चाहिए और यदि आपका रिजल्ट ग्रेड सिस्टम में है तो 6.75 ग्रेड होना चाहिए। यदि आपका परसेंटेज या फिर ग्रेड इससे कम है तो आप डीआरडीओ इंजीनियर्स जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री के साथ साथ आप गेट क्वालिफाई होने चाहिए, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री हो और इसके साथ साथ आप गेट क्वालिफाई होने चाहिए, तभी आप डीआरडीओ जॉब के लिए एलिजिबल हो। यदि आपके पास बैचलर डिग्री तो है बट आप गेट क्वालिफाई नहीं हो तो आप डीआरडीओ जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। सो आप डीआरडीओ जॉब का एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं कि गेट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ एज में छूट की बात करें तो एसटीएससी और ओबीसी को एज में छूट है। एसटीएससी को 5 ईयर, ओबीसी को 3 ईयर की छूट दी जाती है। फर्स्ट एग्जाम की बात करें तो 3 घंटे का होता है और इसमें आपसे 300 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह एक रिटन एग्जाम है। और इसी तरह से सेकेंड एग्जाम की बात करें तो सेकेंड एग्जाम भी आपका 3 घंटे का होता है और 300 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेकेंड एग्जाम भी आपका रिटन एग्जाम होता है। 2 एग्जाम होने के बाद इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू ऑप्शनल है। बहुत सारे पोस्ट के लिए इंटरव्यू कराए जाते हैं और कुछ पोस्ट ऐसी भी है जिनके लिए इंटरव्यू नहीं होता। सैलरी और सुख सुविधाओं की बात करें तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 56,000 होगी और इसके साथ साथ आपको डीए यानी कि महंगाई भत्ता 7,000 रुपये मिलेगा। और इसके साथ साथ टीए की बात करें यानी कि ट्रांसपोर्ट सुविधा की बात करें तो ट्रांसपोर्ट सुविधा के लिए आपको 7,500 रुपये दिए जाते हैं। प्रोफेशनल अपडेट यानी कि आपके यूनिफॉर्म के लिए, कपड़ों के लिए 2,000 आपको पर मंथ दिए जाते हैं। ओवरऑल सैलरी की बात करें, सैलरी प्लस अलाउंसेस मिलाकर 85 रुपये इनहैंड सैलरी मानी जाती है। और इसके साथ साथ सिविल इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल सिलेबस की बात करें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। स्वास की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।